नमस्ते, आपका साइकोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ये अमेरिका को हो क्या गया है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन माई बुक द गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। मैंने बहुत रिसर्च किया है, स्टडी किया है। मैं भी देख रहा था कि ट्रंप का स्पीच मैंने देखा, कमला हैरिस की स्पीच देखी, और फिर मैं सडनली एक न्यूज़ आइटम में मेरा गौर गया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कावड़ यात्रा पे कमेंट दे रहा है, बोल रहा है कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था उसको, ये स्टेट डिपार्टमेंट को हो क्या गया है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब कल को बात करेंगे कि भाई मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव पर बात होगी, तो ऐसा कर ले यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कि वो भारत का 29वां राष्ट्र साम्राज्य बन जाए, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए। वैसे भी क्रॉन्च द्वीप है। और ये इनके मन में चल क्या रहा है कि ये भारत के इंटरनल मैटर्स पे खुल के बात कर रहे हैं? दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट में डोनाल्ड ल्यू करके एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो कि एक स्कॉलर भी है, और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी उसने पढ़ाई किया, लेकिन अमेरिकन वे में पढ़ाई किया है। डोनाल्ड ल्यू को लगता है कि वो कभी भी भारत की गवर्नमेंट बदल सकता है, उसको ऐसा लगता है। उसको ये मालूम नहीं है कि डोनाल्ड ल्यू जो उसका जो नॉलेज सिस्टम है वो एक यूरोपियन सिस्टम है, वो एक इज ए एशियन गाय वर्किंग इन ए एंग्लो सैक्सन एनवायरनमेंट, उसको अपनी लॉयल्टी प्रूफ, इज ए करियर डिप्लोमैट। लेकिन वो अभी कांग्रेसनल रिपोर्ट में बोलता है कि हमने काफी आर्म ट्विस्टिंग किया है, वी आर हैविंग वेरी हार्ड कन्वर्सेशन इंडियन ऑफिशियल्स। उसको समझ में नहीं आता है इंडियन ऑफिशियल्स क्या दे कैन नॉट डू हार्ड कन्वर्सेशन। तो ये जो सुपीरियर माइंडसेट है दैट इज एनेबलिंग, ये सुपीरियर माइंडसेट कहाँ से आता है? एंग्लो सैक्सन चर्चेस, प्रोटेस्टेंट चर्चेस माइंडसेट है ये। उनको लगता है कि दुनिया के सब लोग पगान है, शमन है, और दुनिया भर को लगता है कि ये लोग कार्टून है। दोनों बहुत फर्क है। 7 billion पीपल थिंक दीज गाइज आर कार्टून्स, एंड 350 million में से भी सिर्फ 1% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन थिंक्स ऑफ एवरीबडी एल्स इज पगान, पशान, इन्फीरियर। तो ये जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, विच इज एक्चुअली इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, उनको ये एक उनको एक मन में फील होता, राइट होता है कि वो दुनिया की पॉलिटिक्स पे कमेंट करें। अभी कावड़ यात्रा पे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कमेंट करना, इसको हस्तक्षेप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूर्खता। ये स्टेट डिपार्टमेंट की मूर्खता इतनी बढ़ चुकी है कि दे डोंट नो देयर हिस्ट्री। तो मैं उनको बताता हूं उनका हिस्ट्री क्या है। आज नेटिव अमेरिकन्स, आज की बात कर रहा हूं, कांग्रेस में खड़े हुए लाइन लगाकर कि वहां पर ओक्लाहोमा में, साउथ डकोटा में और इनके रिजर्वेशन में पानी नहीं है। हां जी, आपने सही सुना, अमेरिका में पीने का पानी नहीं है। उनका पीने का पानी में जहर मिल चुका है, मिलाया गया है या मिल चुका है, उस पर बात हो रही है। ये भारत को एडवाइस कर रहे कावड़ यात्रा पे। अरे अमेरिका का तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, जॉबलेसनेस बढ़ रही है, पीने का पानी नहीं है, और क्या ट्रंप भाषण देता रहता है, ट्रंप भाषण दे रहा है, कमला हैरिस भाषण दे रही है, यहां पे आम लोगों के पास पीने का पानी नहीं है सर। और ग्लोबल साउथ में नेटिव कम्युनिटीज, नेटिव अमेरिकन को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं करेगी तो ह्यूमन राइट्स ऑफ नेटिव आर इन डेंजर। अभी अमेरिका ह्यूमन राइट्स का चैंपियन नहीं है, अमेरिका इज ह्यूमन राइट्स चैंपियन ओनली फॉर एंग्लो सैक्सन्स नाउ, नॉट फॉर एवरीबॉडी। और आप देख ही रहे किस तरह का नॉइज हो रहा है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आए दिन ब्राउन लोग, अभी दिनेश डिसूजा जो है रिपब्लिकन पार्टी में है, वो गाली दे रहा है विनोद खोसला को। दोनों ब्राउन लोग हैं, दोनों इंडियन ओरिजिन हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। एक बोल रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा गोरा हूँ, आई एम मोर लॉयल टू अमेरिका, और दूसरा बोल रहा है मैंने तुमसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने अपना फैनेटिक फॉलोइंग बना लिया है। एक जो लिबरल जो ये लोग बात करते हैं ना,
आप उसको हिंदी में ट्रांसलेशन मत करिए उदारवाद, या कंजर्वेटिव को ये मत बोलिए रूढ़िवाद। कंजर्वेटिव मतलब होता है कैथोलिक जो चर्च का फॉलोअर, मतलब वो प्रोटेस्टेंट चर्च का फॉलोअर कैथोलिक है। लिबरल हुआ कैथोलिक चर्च का फॉलोअर, या नॉन क्रिश्चियन वो लिबरल में आया। तो दोनों के इंग्लिश चर्च वर्सेस कैथोलिक चर्च की लड़ाई है ये। हम लोग क्या करें, हम लोग चुप बैठ के देखना चाहिए क्या कर सकते हैं। हम अपने आप को एजुकेट करते रहे और दूसरों को हम कुछ बोल नहीं सकते। और मैं भारतीय एनालिस्ट की भी बात करूंगा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा बुक जरूर पढ़ें, उसके बाद आप बात करें, क्योंकि आप लोग अमेरिका को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं सभी लोग, लेकिन आप अमेरिका को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कॉलोनाइजेशन की स्टोरी है। कॉलोनाइजेशन अमेरिका में आज तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी नेटिव लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। वहां पे जो प्रॉमिस किया था अमेरिकन स्टेट ने, उनको नहीं दिया जा रहा। आज भी एज वी आर स्पीकिंग, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते, उनके पास एड्रेस नहीं है, पीओ बॉक्स पे वोटिंग बैलेट नहीं इशू किया जाता। तो ये प्रॉब्लम्स आज चल रही है। बहुत सारे अमेरिकन्स हैव लॉस्ट होप आल्सो, यहां के नेटिव अमेरिकन लॉस्ट होप कर चुके हैं, चर्च अंदर घुस गया है, कन्वर्ट कर दिया है सबको, और बेचारे लोग उस कन्वर्जन के चक्कर में अपना रिलीजन भूलते जा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं, अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं, जबकि वही मूल निवासी है यहां पे। अमेरिका में 1500 से ज्यादा नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस हैं और 728 ट्राइब्स हैं जो अभी दिखती हैं, लेकिन पहले उससे भी ज्यादा थी। इसका मतलब यह नहीं कि ट्राइबल नेशंस है, उसका मतलब यह है, और इन सभी के आपस में बीच में शादियां होती हैं। ऐसे पहले भी नहीं होता था, अभी भी होती है, जैसे गांव कस्बा हो गया या जाति हो गई, उस तरह का है ये सिस्टम। और हर किसी जाति का एक खासियत है, लेकिन सबका रिलीजन एक है। उनके जो कॉमन बिलीफ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि वो सभी जो है एस्ट्रोनॉमी में उनका विश्वास रहता है, ज्योतिष विद्या में, और वो ज्योतिष विद्या के एकदम वैदिक तरीके के पंडित हैं। उनके हर तारे का नाम उनकी भाषा में अलग होता है। दूसरा, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तीसरा, उनकी जो अर्थव्यवस्था है खेती पर आधारित है। वो तीन चीजें उगाते हैं मोस्टली, कॉर्न, बीन्स और स्क्वाश। सूर्य, चंद्र और तारों की, नक्षत्रों की पूजा, उनके हिसाब से नक्षत्र वो पूर्वजों की जगह है। वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ग्रेट ऋषिस, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ऋषि मुनि है हमारे, उनका घर है ये सब नक्षत्र जो आपको तारे दिखते हैं, उनका घर है, कॉमन है ये। ज्यादातर उनकी डाइट्स वेजिटेरियन होती हैं। अभी जो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट देखते हैं वो वेरी रिसेंट है यूरोपियंस के आने के बाद। पहले भी अगर बिसॉन होता था वेस्टर्न और सेंट्रल यूएसए में या वेस्टर्न यूएसए में, उसको ओनली फेस्टिवल के दिनों में एक पूजा के तहत उसको मारा जाता था, जबकि डेली उसको नहीं मारा जाता। इट वॉज अ सेक्रेट एनिमल, उससे उनको दूध भी मिलता था, और जब वो मरता था तो नेचुरल चमड़े से घोड़ों के बैक सीट, घोड़ों के ऊपर जो लगती है सीट बनाई जाती थी, और अदर शूज बनाए जाते थे मरे हुए जानवर के। और उनकी उनके जो भोजन होता है वो फ्लैट ब्रेड होती है। और फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, भूमि और अपरो वायु, उसकी पूजा करते हैं वो लोग। और उनके बेस स्ट्रक्चर में जो क्रौंच द्वीप है पक्षी के रूप में है, वो हमारे शास्त्रों में संस्कृत में क्रौंच, कुछ कम्युनिटीज उसको टर्टल आइलैंड भी बुलाती हैं कछुए के रूप में। और उनके जो कॉमन कल्चर में 8 दिशाओं का वर्णन है, 8 दिशाएं सेक्रेड है उनके लिए, 10 दिशाएं नहीं है, हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं। और उनकी जो फिलॉसफी रहती है कि हम अपना कर्म करें, कर्म के ऊपर विश्वास करें, मतलब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इससे बता रहा हूँ, इन देयर ओन लैंग्वेज वो बिलीव करते हैं कि वो अपने कर्म के आधार पर जीवन जिए। और छत, आकाश उनकी छत है, सूर्य चंद्र उनके नेत्र, जो वो नेत्र भगवान के नेत्र हैं, ये तो भागवत पुराण का वर्णन है। इनका फिलॉसफी कैसे हो गया, और मैं सभी का फिलॉसफी स्टडी करके एक सारांश आपको बता रहा हूँ, कॉमन बिलीफ्स, ये कॉमन बिलीफ्स हैं उनके। तो जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने इनका नेचर, नेटिव कल्चर डिस्ट्रॉय किया टू
टेक आउट द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर लैंड. जैसे एक्सल पाइपलाइन बन रही थी, ट्रंप ने उसको कितना सपोर्ट किया डिस्ट्रक्शन करने के लिए. मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और इसलिए मैं दोनों पार्टी के लिए बोल सकता हूँ. और डेमोक्रेट्स ने भी कुछ नहीं किया, डेमोक्रेट्स से बात करी वोट लेने के लिए, कुछ नहीं दिया. देर इज नॉट ए सिंगल ट्रीटी विच US हैज एक्चुअली ओबेड और ऑनर्ड. एवरीवेयर द ट्रीटीज हैव बीन चेंज्ड, बदल गई हैं ट्रीटीज. तो ये सब विषय है. अब US कावड़ यात्रा पे बात कर रहे हैं, फिर बाद में बात करेगा फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर जो नकली सारे खुद ही क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन US को कोई पूछ नहीं रहा है पब्लिकली इंडियन स्टेट डिपार्टमेंट से, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, कि तुम नागालैंड में क्या कर रहे हो, वीडियोस बाहर आ गए तुम्हारे सोल्जर्स के, तुम नेटिव अमेरिकन को क्यों नहीं पानी दे रहे हो, उनके इश्यूज क्यों उठाए जा रहे हैं, भारतीय एम्बेसी कब बात करेगी सब चीजों पे? भारतीय एम्बेसी क्या सिर्फ फंक्शन ही करने वाली है बस, वो कब बात करेगी? आपको पॉलिटिक्स खेलनी है तो एक्टिव पॉलिटिक्स खेलिए, सिर्फ रिएक्ट नहीं करिए 24 घंटा. और अगर इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, थक गए हैं, तो फिर किसी और को चार्ज दीजिए जो करे ये सब चीजें. सिर्फ डू नॉट, आप अमेरिका को उसको बोलने मत दीजिए हर समय. अभी मैंने सुना आप खरीदे जा रहे F-15EX. आपको मालूम है लूज होगा तो उसमें कंडीशंस लगेंगी, आप पाकिस्तान में बम नहीं गिरा सकते, चीन पे बम नहीं गिरा सकते, अफगानिस्तान में बम नहीं गिरा सकते. तो जो आपको बोल रहा है ये खरीदो वो खरीदो, मुझे मालूम है आप लोग जो भारतीय फॉरेन एयरफोर्स है बहुत इंटेलिजेंट एयरफोर्स है, लेकिन फिर भी मेरा बोलने का कर्तव्य है. इसराइल को तरसा दिया वेपन्स के लिए, वो फिर उसने थ्रेटन किया, तब जाके हो रहा है सब चीजें. और इसराइल का एजेंसी IPAC, वैसा कोई एजेंसी भारत का नहीं है. भारत की एम्बेसी तो एकदम आप समझ लीजिए कैसी है, कोई काम नहीं करते, बस वो रिबन कटिंग करने के लिए आते हैं, सलाह भी नहीं होती, वो दे कम एंड गो. तो जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड. और मेरे को बहुत तरस आ रहा है इस समय कि अमेरिका भारत का 29वां प्रांत क्यों बनना चाहता है, इस विषय पे डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है, कि स्टेट डिपार्टमेंट की औकात इतनी रह गई है कि वो भारत के कावड़ यात्रा पे करे बात करे. क्या अमेरिका में कोई इश्यूज नहीं बचे? रशिया यूक्रेन कुछ हुआ है नहीं? इसका मतलब ये है यूक्रेन का वॉर एक फेक वॉर था अमेरिका के लिए, ठीक है. बाकी सर युद्ध फेक है, असली युद्ध जो इकोनॉमिक का है वो तैयारी हो रही है, वो भारत के विरुद्ध. इस समय अगर भारत ने इनके साथ खरीदा कुछ तो प्रॉब्लम का समय है. और दूसरा, यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड ना करे एग्रीमेंट उसको, वो डीप स्टेट है. आप लोग बड़े गहरे राज की बात है, चर्च ऑफ इंग्लैंड ही डीप स्टेट है, डीप स्टेट है. वो भारत के विरुद्ध काम कर रहा है महात्मा गांधी के समय से, नेहरू के समय से. क्या जिसने देश का विभाजन करवाया उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देंगे? आपको तो टैक्स लगाने चाहिए, सैंक्शन लगाने चाहिए, सारा खालिस्तानी प्रोटेस्ट रुक जाएगा. एक सैंक्शन लगेगा UK और कैनेडा पे, सारा खालिस्तानी प्रोग्राम बंद. लगाइए, कैनेडा का इकोनॉमी मुंबई का धारावी से भी कम होगा, सारा आर्टिफिशियल इकोनॉमी है. मैं मजाक में बोल रहा हूं, इट्स अ स्मॉल इकोनॉमी, क्यों उसके पीछे पड़ना? वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज इश्यूज, है ना. और भारतीयों को बोलूंगा, भारतीय अमेरिकन को, भैया संभल के रहिए, हम लोग भी संभल के रह रहे हैं. और यही समय है कि अपनी सुख समृद्धि के लिए हम लोग अपना धार्मिक कार्य करें, थोड़ा दूर ही रहें इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये टर्मोइल चलने वाला है. बलराम की यात्रा को याद रखें, हम लोग भी कोई यात्रा पे निकलते हैं, जब सब शांत हो जाएगा 4-5 साल के बाद फिर हम बात करेंगे. नमस्ते, जय जगन्नाथ.